वाराणसी में बुनकरों ने बनारसी साड़ी पर राम मंदिर की प्रतिकृति उतारी है। रेशमी धागों से बनी इस साड़ी पर महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राम मंदिर की छवि तैयार की गई है। बनारसी साड़ी पर राम मंदिर बुनकर के करगे पर बनाया गया है। बुनकर चाहते हैं कि इस वस्त्र को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भगवान रामलला को भेंट करें। राम मंदिर की अद्भुत साड़ी में राम मंदिर के शिखर से लेकर पिलर, खंभों और दीवारों तक को हूबहू रेशमी धागों से उकेरा गया है। इस दुर्लभ उचित पिनकारी को करने वाले गोपाल पटेल बताते हैं कि इस कला में चकाट और नक्शे के पत्ते का उपयोग नहीं होता, सिर्फ सुइयों को उठा उठा कर हथकरघे पर बनाई होती है। राम मंदिर साड़ी को तैयार करवाने वाले साड़ी कारोबारी सर्वेश की दिली इच्छा है कि ये साड़ी पहले खुद सीएम योगी के हाथों रामलला को अर्पित हो। इस साड़ी को बनाने की लागत लगभग 25,000 रुपए आई है, लेकिन ये साड़ी बिकने के लिए बाजार में तभी आएगी जब अयोध्या में सीएम योगी के हाथों रामलला को अर्पित की जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, देखिए मूल भावना मेरी है, एक तो भगवान राम को समर्पित करना, राम मंदिर के बारे में इतना हुआ और इसका पटाक्षेप हुआ, उसका पूरा श्रेय हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को देना चाहते हैं, और उसी में हम भी अपनी श्रद्धा के अनुरूप कुछ करना चाहते थे। उसके लिए हमने गोपाल पटेल जी को चुना, क्योंकि और उसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य था कि हमारे यहाँ हथकरघा की जो कुछ कलाकारियाँ हैं, बुनाई की कला है, वो विलुप्त होने के करीब हैं। जैसे उचंत वीविंग आर्ट के सिर्फ एक कारीगर बचे हुए हैं, वो हैं गोपाल पटेल जी। उसको आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को करना पड़ा कि भगवान राम के ही समर्पित करें, वही कोई रास्ता निकालेंगे कि आगे की और पीढ़ी इसमें इंटरेस्ट ले और उसे सीखे और ये कला विलुप्त ना होने पाए। ये साड़ी जो है, ये कितनी मेहनत लगी इसको तैयार करने में? इसको तैयार करने में बहुत मेहनत है। उचंत वीविंग आर्ट ही अपने आप में बहुत टफ है, जिसमें किसी जकार्ड मशीन या किसी पत्ते की इस्तेमाल नहीं होता है। वो शुद्ध पूरी तरह से हाथों से सुई के द्वारा उसके धागे को उठाते हैं जिस और फिर उससे बुनाई होती है पूरी तरह से। हथकरघा जिसको कहते हैं वो, ये वीविंग आर्ट है। कितने महीने लगे इसको तैयार? ये पहली साड़ी आने में लगभग 3 महीने लग गया डिज़ाइन और सारी चीज़ें तैयार करने में। क्या क्या बारीकियों का ध्यान दिए हैं आप? इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो एक एक जो नक्काशी का ये है, ये देखिए ये पतली पतली लाइनें भी नहीं गई हैं, इनको सुई से उठा के एक एक लाइन की नक्काशी का कि मंदिर का मैक्सिमम, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम स्वरूप सेम टू सेम आए, वो कोशिश हमने किया है। और क्या खास बात है? ये अपने आप में खास है, भगवान राम को समर्पित उनके मंदिर का स्वरूप है। इसमें फूल पत्तियां वगैरह और फूल पत्तियां वगैरह, ये तो उसके लिए, ये उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंदिर के आसपास फूल पत्ती पेड़ पौधे होते हैं उनको दिखाने के लिए, ये तो डिजाइन है। इसका मूल स्वरूप जो ये है, खासियत सबसे ये है, और इसको सबसे अच्छे तरीके से उतारना, क्योंकि अगर इसे जकाड़ या अन्य तरीके से अगर करेंगे तो शायद ये स्वरूप नहीं आएगा बुनाई पे। क्या चाहते हैं आप इसको साड़ी के साथ? क्या मैं चाहता हूं कि हमारी पहली साड़ी तो भगवान राम को समर्पित हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी तरह से रास्ता निकालें कि मैं उनके द्वारा इसे समर्पित करना चाहता हूं भगवान राम को अयोध्या, उसके बाद इच्छा है कि बाजार में लेके आए। क्या इसका रेट? इसका रेट अभी नहीं था क्या? अभी तो हम जब हमारे अगर भगवान राम ने कोई रास्ता निकाला योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू, उनके तक हम समर्पित कर पाए उसके बाद बेचने की सोचेंगे, अभी तो हमने सोचा नहीं इसलिए कॉस्टिंग नहीं निकाली। क्या फिर भी लागत क्या आई होगी इसकी? लागत अभी जो हमने लगाई है वो आया है अभी तक का 25,000 रुपये, अगर सिर्फ एक साड़ी की, और बाकी जो प्रोसेस है उन सब चार्जेस को छोड़ के। आप चाहते भी होंगे कि जिसकी आस्था हो वही ये साड़ी लेके पहने? बिल्कुल बिल्कुल, प्रदर्शन के लिए ना? नहीं नहीं, प्रदर्शन के लिए हम जो सिर्फ प्रदर्शन के लिए लेना चाहते उनको हम देंगे ही नहीं। आस्था जिसकी भगवान राम में आस्था है तो वो साड़ी ले सकता है। उसके लिए कुछ विशेष उपहार या डिस्काउंट भी रखा जाएगा अगर इसका आस्था? भगवान राम चाहेंगे तो सब कुछ होगा। नहीं, ये बात आप बताएंगे ना कि अगर मान लीजिए कोई आस्थावान इसको लेना चाहे तो क्या कुछ डिस्काउंट या उसको कुछ विशेष ऑफर? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी राह भगवान श्री राम ही निकालेंगे। मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, उन्हीं को समर्पित है, उसका रास्ता वही निकालेंगे।
सर्वे जी, ये साड़ी जो कि राम मंदिर पे बनी है, तो जो राम भक्त होंगे उनके लिए क्या विशेष छूट या कुछ उपहार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके आस्था के अनुसार राम भक्त जो हमारे आस्थावान राम भक्त हैं उनके लिए इसमें विशिष्ट उपहार या कुछ छूट का प्रावधान है।